विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व के उत्तेजना में जाओगे तो पहले ही मालूम होगा, देखो मैं जिंदा महसूस करने के लिए बाहर की चीजें ढूंढता हूं, मगर हकीकत में मुझे अंदर के आनंद को ढूंढना है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों सभी ध्यान करें। ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं, जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, इस रचनात्मकता से सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख क्रोध समाप्त हो। यहां तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं, स्वयं को पहचान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं, ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है, यह बढ़ते बढ़ते सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा महसूस करता है, ईश्वर अपना एहसास करने के लिए जिंदा शरीर, मनुष्य शरीर निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास
ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों, जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं, मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो, पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है, कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। उत्तेजनाओं में जाओगे तो पहले ही मालूम होगा, देखो मैं जिंदा महसूस करने के लिए बाहर की चीजें ढूंढता हूं, मगर हकीकत में मुझे अंदर के आनंद को ढूंढना है। अगर हर घटना आपको याद दिलाए और आप अपने आप पर जा पाओ तो एक नया दरवाजा खुलेगा बोर्डम से मुक्ति का। फिर आप बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दोगे, उनको बताओगे अब भी खुशी है, संडे आएगा, संडे का आनंद तभी लिया जाएगा। बार बार बच्चे को याद नहीं दिलाते बैठोगे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, क्योंकि समझ में आएगा कि इससे बच्चों में क्या आदत जा रही है। वो वर्तमान में रहना छोड़ रहे, वो हमेशा देख रहे हैं कि कैसे हम उस दिन का इंतजार करें। जल्दी दिन आता क्यों नहीं, वो वही तारीखें देखते रहेंगे, तो खुद बाहर आ जाएंगे, औरों को भी इससे बाहर आने में मदद कर पाएंगे। तो बच्चे बहुत आनंदित है, उसकी चिंता मत करो। अपनी तरफ से हम उनको इंटरटेन करना चाहते हैं, मगर गलत आदत डाल रहे हैं, और ये गलत आदत उनको बड़े होकर बहुत तकलीफ देती है। खिलौने पर खिलौने देते जा रहे, और बच्चा एक खिलौने से 5 मिनट भी खेलता नहीं, फेंकता है उसको, दूसरा दो। एक ही खिलौने को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाता कि उसके साथ पूरी तरह से जियो, खिलौना ही बन जाओ, ये कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही। माँ बाप कहेंगे पैसे है तो ये भी दो, मगर उनको पता नहीं है कि इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उनको गलत आदत डाल रहे हैं। हर माँ बाप ये सीखे जाने कि बच्चों को इंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं जब वो छोटे हैं, उनसे कैसे बातचीत हो, अपनी धारणाएं उनके अंदर नहीं डाले। मरी तब हो पाएगा जब आप खुद बोर्डम से मुक्त हो गए पूरी तरह से। बच्चे बहुत सहजता से जीते हैं, बहुत आनंद में जीते हैं। 9 महीने मां के पेट में कितना आनंद था वहां पर, क्या लगता है आप बोर हो रहे थे वहां? बिल्कुल नहीं यार, इतना भी बोर नहीं हो रहे थे, क्योंकि जीवन भर यही प्यास रहती है फिर से वो अनुभव मिले। आपको खुद भी नहीं पता कि आप वही अनुभव फिर से चाहते हो, हम सब वो अनुभव फिर से चाहते हैं, इतना प्यारा अनुभव था वो, मगर आज हमें यकीन भी नहीं आएगा कि हम हर जगह वही ढूंढते कहां, किसके साथ हमें वो अनुभव मिलेगा, किसके साथ रहने में हमें वो अनुभव मिलेगा। लोग रिश्ते बदलते रहते हैं, अलग अलग दोस्त बदलते रहते हैं, किसके प्रेजेंस में वो आनंद मिले, मगर वो आनंद हमें अंदर ही ढूंढना है, उस पर हमें पहुंचना है। आनंद हमारे अंदर है, बाहर की चीज तो निमित्त है, बाहर की चीज तो सिर्फ एक कारण बनती है अंदर के आनंद को बाहर लाने में। बाहर की चीज से आज तक किसी को आनंद नहीं आया। जिस दिन ये रहस्य हम जान गए कि आनंद हमारे अंदर ही है, बाहर से कोई कांटा डालता है उसको बाहर निकलता है, जैसे पानी में मछली है, कांटा डाला तो मछली बाहर आई, कांटे की वजह से नहीं आई, मछली थी, हैप्पीनेस है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर वो आनंद ना हो, वो जीवन ना हो, सभी के अंदर, मगर उसको कैसे बाहर ला पाए ये पता न होने की वजह से इंसान बाहर हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।